फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई नुमान जाफर अब्बासी नगोया जापान से। फ्रेंड्स, आज आपको मैं जो रिव्यू करवाने वाला हूँ, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। होंडा फिट शटल 2020 का इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है और ये हाइब्रिड भी आती है। आप उसका रिव्यू करवाता हूँ। ऑटो पावर विंडो और इलेक्ट्रिक रेक्टेबल मिरर्स के साथ फुल पावर विंडो में ये हाफ लेदर में आती है। GP7 1500 एंटी थेफ्ट डिवाइस। इसी तरीके से इसका स्टीयरिंग मल्टी फंक्शंस, क्रूज कंट्रोल, आइडलिंग स्टॉप, ब्लूटूथ कनेक्शन का भी है इसमें सिस्टम, ABS ब्रेक, एयर कंडीशन, इसका ऑडोमीटर वो भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में, उसको भी लुक एक दी गई है। इसी तरीके से TV एंड नेविगेशन, मेमोरी सिस्टम, बैक कैमरा के साथ ये ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और क्लोइन डैमेज रिडक्शन सिस्टम भी इसमें मौजूद है। डी प्लेयर भी इसमें मौजूद है। स्मार्ट FAT इसका गियर है स्मार्ट स्टाइल में, और इसका डिजिटल AC सिस्टम्स भी है। ये इसी तरीके से डिजिटल AC पुश स्टार्ट के साथ, और इसकी साइड पैसेंजर सीट डोर, और इसी तरह आपको बैक से दिखाती हैं। 5 सीट्स में है कैपेसिटी जो उसकी है 5 पीपल्स की। होम लाइट इसी तरह फ्रंट में भी इसकी होम लाइट्स LED में, और काफ़ी ह्यूज स्पेस के साथ ये गाड़ी है, और इसको बड़े ही अच्छे स्टाइल में इसको भी तैयार किया गया है। इसकी लुक आप चेक कर लें, इसकी लेंथ देखें, और वेरी पॉपुलर कार है ये। तो ये फिट शटल जो है ये होंडा सेंसिंग के साथ आती है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड डिपार्चर वार्निंग का फंक्शन दिया गया है होंडा सेंसिंग में। ओरिजिनल अलॉय व्हील के साथ 4 बोल्ट स्टड्स में आती है, और 16 के इसको टायर साइज 16 का इसका है। ये आप देखें ज़रा, 4 बोल्ट्स विद 185/55R16 का टायर साइज है इसका। इसी तरीके से इसका यहाँ पे फ्यूल टैंक। बैक ट्रंक की अगर बात की जाए तो बैक ट्रंक में भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ 5 सीटर है, इसलिए इसके बैक ट्रंक में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फ्रेंड होंडा फिट शटल शिपमेंट के लिए रेडी है, और इसको अभी कंटेनर में भी लोडिंग की जाएगी, रेडी फॉर शिपमेंट। और ये पाकिस्तान के लिए, बिकॉज इस साल ये पाकिस्तान का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो ये गाड़ी पाकिस्तान जा रही है इस शिपमेंट में, इस मंथ में, दिसंबर में, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब काफ़ी डिमांड है हाइब्रिड की। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोड होकर, और ये वाया शिप ये पाकिस्तान जाएगी। अब हर तरफ डिमांड हाइब्रिड्स की ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान की तरफ मूव किया जा रहा है। अब ये देखिए, इसको कंटेनर के अंदर हम ले आए हैं। फ्रेंड्स, फिर ये था होंडा फिट शटल 2020 का रिव्यू हाइब्रिड वर्जन में, और अपने भाई को अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।